नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का जलवा आज हर कोई देख रहा है, कैसे उनके एक दहाड़ से पूरी बीजेपी हिल जाती है। उनकी कई मांगों पर मोदी सरकार बैकफुट पर आई है, ये हर कोई देख रहा है, लेकिन मोदी समर्थक इस बात को मानने को तैयार नहीं है, इस बात से इनकार कर रहे हैं। इसी बीच पत्रकार अंजना ओम कश्यप ने राहुल गांधी पर सवाल उठाने के चक्कर में अपनी ही फजीहत करवा ली है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल पत्रकार अंजना ओम कश्यप ने अपने डिबेट के दौरान एक सवाल पूछा, जिसका वीडियो इस वक्त तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में पत्रकार अंजना ओम कश्यप कांग्रेस नेता अतुल पाटिल से सवाल करती है कि आप तीन काम गिनवा दीजिए जो राहुल गांधी जी ने मोदी जी से करवा लिए। इसके जवाब में अतुल पाटिल जवाब ही नहीं देते, बल्कि वो पांच काम गिनवाते हैं जो राहुल गांधी ने मोदी से करवाए हैं। अतुल पाटिल कहते हैं, पहला काम ब्रॉडकास्ट बिल वापस हो गया है, दूसरा काम इंडेक्शन, तीसरा डेटा प्रोटेक्शन बिल, चौथा लैंड बिल अमेंडमेंट, पांचवा अग्निवीर 50% लिए जाएंगे। तो यहां साफ है कि कैसे पत्रकार अंजना ने तीन काम गिनवाने को बोले और कांग्रेस नेता ने पांच काम गिनवा दिए जो राहुल गांधी ने पीएम मोदी से करवाए हैं। इस पर अब कहा जा रहा है कि राहुल पर सवाल उठाने के चक्कर में पत्रकार अंजना की खुद ही फजीहत हो गई है। इस वीडियो को कांग्रेस नेता अतुल पाटिल ने खुद भी शेयर किया है। इस पर जनता रिएक्शन दे रही है और पत्रकार अंजना को ट्रोल भी कर रही है। बजरंग नाम के यूजर ने लिखा है, आप तीन काम गिनवा दीजिए, मैं छह काम गिनवाता हूँ, गजब बेइज्जती है यार। अजीत नाम के यूजर ने लिखा, अंजना और मोदी ठीक है ठीक है। सोमनाथ नाम के यूजर ने लिखा है, दलाल पत्रकारों का बहिष्कार कीजिए, ये सवाल तो पूछते हैं जैसे सरकार कांग्रेस की है। करारा जवाब दिया सर आपने भाजपा के प्रवक्ता और दलाल मीडिया की चमची को, अनपढ़ अंध भक्तों तुम लोग कैसे हो। तो कुछ इस तरह से जनता भी पत्रकार अंजना को ट्रोल कर रही है। बात राहुल गांधी की करें तो राहुल के भौकाल के सामने आज बीजेपी घुटने टेकती नजर आ रही है। ऐसे कई मुद्दे हैं जिसको राहुल गांधी ने पहले उठाए और फिर मोदी सरकार पीछे बैकफुट पर आई और उन मुद्दों को कांग्रेस नेता ने भी गिनवाए हैं। फिलहाल जिस तरह से पत्रकार अंजना को ट्रोल किया जा रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अंत में आपको राहुल गांधी का एक धाकड़ बयान सुनाते हैं, सुनिए। बीजेपी और RSS लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहा है, आप पर तो डायरेक्ट करा, सीधा आपको कहा कि भैया स्टेटहुड हम आपसे छीन रहे हैं, हम आपको यूनियन टेरिटरी बना रहे हैं। मगर ये पूरे देश में हो रहा है। मणिपुर में देखिए, हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशन देखिए, इलेक्शन कमीशन देखिए, ब्यूरोक्रेसी देखिए, मीडिया देखिए, सारे की सारी संस्थाओं पर ये कब्जा कर रहे हैं और पूरा का पूरा फायदा दो तीन उद्योगपतियों को देते हैं। ये देखिए, आप नाम जानते हैं, क्या नाम है उनके? अच्छा, नई चीज बोली है। मैं पार्लियामेंट में भाषण कर रहा था, मैंने भाषण में अदानी अंबानी का नाम लिया और मुझे कहा जाता है कि पार्लियामेंट में अदानी और अंबानी का नाम नहीं लिया जा सकता। कमाल की बात है, एयरपोर्ट पे लगाया जा सकता है, सड़कों पे लगाया जा सकता है, पोर्ट्स पे लगाया जा सकता है, हर धंधे में उनका नाम दिखाई देता है, चाहे वो सेब का धंधा हो, सब जगह उनका नाम दिखता है, मगर पार्लियामेंट में उनका नाम विपक्ष नहीं ले सकते। तो फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ठीक है भैया, आप कहते हो कि अंबानी अदानी का नाम नहीं ले सकता तो कुछ तो कहना पड़ेगा, क्या कहूं उनको। तो फिर मैंने स्पीकर सर से कहा कि देखिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं अदानी अंबानी का नाम ना लूं तो फिर मैं वो उनको A1 A2 कह देता हूं, कहना तो पड़ेगा क्योंकि ये सच्चाई है। सारी की सारी चीजें, सारे के सारे बिजनेस इन तीन चार लोगों को मिलते हैं।